दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई भी खाली प्लॉट है या फिर बिल्डिंग है या फिर कोई जमीन पड़ी हुई है तो आप लोग वहां पर टावर लगवा कर अच्छी खासे इनकम कर सकते हैं। आप लोग महीने के 7,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक किराया ले सकते हैं, वो आपकी एरिया की लोकेशन पर डिपेंड करता है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि टावर लगवाने के मामले में काफी ज्यादा फ्रॉड भी चल रहा है और टावर लगवाने के लिए आप लोगों को कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है। अगर दोस्तों टावर लगवाने के लिए आपसे कोई भी पैसा मांगता है तो समझ लीजिए वो फ्रॉड है। सो गाइस, मेरा नाम है शमसुल और आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि टावर लगवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और दोस्तों टावर लगवाने के लिए कौन कौन से नियम व शर्तें हैं और किस प्रकार से आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मोबाइल टावर दो प्रकार के होते हैं। पहला वो जो आप लोगों के छत पर या फिर आप लोगों की बिल्डिंग पर लगता है, जिसका साइज छोटा होता है और वो जगह भी कम घेरता है। और दूसरा टावर जो आप लोगों की प्लॉट में लगता है या फिर आप लोगों की खाली जमीन पड़ी हुई है उसमें लगता है, उसमें जगह ज्यादा घेरती है और उसकी हाइट भी काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मोबाइल टावर लगवाने के लिए कौन कौन सी नियम व शर्तें हैं और दोस्तों आपके पास मोबाइल टावर लगवाने के लिए कितने फिट जगह होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपने मकान की बिल्डिंग पर या फिर मकान की छत पर मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों की छत की 500 स्क्वायर फिट जगह होनी चाहिए। उसके बाद अगर दोस्तों आप लोग शहर में किसी भी प्लॉट में मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं तो वहां पर आपका प्लॉट 2,000 स्क्वायर फिट का होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास गांव में जमीन है और वहां पर मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 2500 स्क्वायर फीट जमीन होनी चाहिए। और दोस्तों, अब आप लोगों को बता देता हूं कि मोबाइल टावर कहां पर आप लोग नहीं लगवा सकते। तो अगर आप जहां पर भी मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं उस एरिया के 100 मीटर के अंदर कोई भी हॉस्पिटल होता है तो आप लोग वहां पर मोबाइल टावर नहीं लगवा सकते। और साथ ही जहां पर आप लोग अगर मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास पड़ोस वालों को कोई भी दिक्कत है या फिर वो लोग इस बात से विरोध करते हैं तो भी आप लोग मोबाइल टावर नहीं लगवा सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मोबाइल टावर लगवाने का जो प्रोसेस होता है वो आपके और कंपनी के बीच में होता है, इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं होता है। अगर दोस्तों आप लोगों से कोई भी मोबाइल टावर लगवाने के लिए पैसे मांगता है तो समझ लीजिए वो फ्रॉड है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को मोबाइल टावर लगवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि अगर आप लोग जियो का मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं तो आप लोग किस प्रकार से अपने मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आपके लोकेशन को चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों का मोबाइल टावर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप लोग वहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोग जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। या फिर आप लोगों को किसी ब्राउजर में टाइप करना है jio.com तो भी आप लोग यहां पर आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को यहां पर 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहां पर आप लोगों को एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर लेना है। जैसे कि मेरा यहां पर पहले से ही डेस्कटॉप साइट में ओपन है, ये टिक लगा हुआ है। अगर आपके मोबाइल में ये टिक नहीं लगा हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पर टिक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोग यहां पर नीचे आएंगे और सबसे नीचे आप लोगों को यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है यूजफुल लिंक्स, यहां पर आप लोगों को एक बार क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है जियो नेटवर्क पार्टनर, आप लोगों को यहां पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलेंगे, आई हैव ए लैंड प्लॉट, आई हैव ए बिल्डिंग। तो अगर आप लोग अपनी बिल्डिंग या मकान पर टावर लगवाना चाहते हैं तो आप लोगों को दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगर आप लोगों के पास कोई भी खाली प्लॉट या फिर जमीन पड़ी हुई है तो आप लोगों को पहले नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बिल्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड कर देता हूँ। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ये सारा प्रोसेस वेबसाइट द्वारा ना करो तो आप लोग माई जियो एप्लीकेशन में जाकर भी ये सारा प्रोसेस कर सकते हो। प्रोसेस लगभग सेम ही है, वहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले माई जियो एप्लीकेशन को आप लोगों को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है पार्टनर विद जियो। जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहां से आप लोगों को अपनी प्लॉट या फिर बिल्डिंग सिलेक्ट कर लेनी है। अगर प्लॉट में लगवाना चाहते हो तो ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगर आप बिल्डिंग में लगवाना चाहते हो तो नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है।
प्रोसेस करने के बाद आप लोगों को यहां से अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है, जहां पर भी आपका लोकेशन हो वहीं पर ये उठा रख दे। और अगर आप लोग चाहो तो अपने एरिया का पिन कोड डालकर भी करंट लोकेशन चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पिन कोड डाल दिया है, उसके बाद आप लोगों को इसे उठाकर इधर उधर रखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों से यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा आपका, जो भी आप लोगों के जियो एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टी का ओनर पूछा जाएगा। अगर आप लोग प्रॉपर्टी के ऑनर खुद हैं, यानी कि आपकी ही जमीन है या फिर बिल्डिंग है, तो सेल्फ पर क्लिक कर देना है। और अगर दोस्तों वो बिल्डिंग या फिर जमीन किसी और की है, तो आप लोगों को अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से प्रॉपर्टी ओनर का फुल नाम डालना है, यहाँ से उसका, और दोस्तों यहाँ पर उसका कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर सेल्फ वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करता हूँ। और सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना फुल नाम फिल कर देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप लोगों से कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर सेम हो तो आप लोगों को यहाँ पर सेम एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को लैंडमार्क डाल देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आप लोगों की बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी ली जाएगी, जैसे कि आपकी बिल्डिंग पर कितने फ्लोर हैं और आपकी बिल्डिंग की एज क्या है, यानी कि कितने दिन बिल्डिंग आप लोगों की पुरानी है, और यहाँ पर आप लोगों की सिंगल बिल्डिंग है या फिर डबल बिल्डिंग है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा, एनी अदर ऑपरेटर टावर इंस्टॉल्ड, यानी कि आप लोगों की बिल्डिंग पर पहले से कोई भी टावर इंस्टॉल है या फिर नहीं है। अगर है तो यस क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो आप लोगों को नो पर क्लिक करना है और आप लोगों को कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आप लोग यहां पर देखेंगे प्रॉपर्टी डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आप लोगों ने जो भी प्रॉपर्टी डिटेल दी है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। यहां पर आप लोग देख सकते हो एक एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों की सबमिटेड डेट यहां पर देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद यहां पर आप लोगों की करंट लोकेशन, यानी कि जो आप लोगों ने एड्रेस दिया है वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। यहां पर आप लोग देखेंगे डिस्क्लेमर दिया हुआ है, यानी कि जो आप लोगों ने डिटेल सबमिट की हुई है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों का टावर लग ही जाएगा। आप लोग जहां पर भी टावर लगवाना चाहते हो वहां पर आपकी लोकेशन चेक की जाएगी। उसके बाद अगर कंपनी वालों को ठीक ठाक लगता है तो ही आप लोगों का टावर लगेगा। उसके बाद आप लोग यहां पर लिखा हुआ देख सकते हो कि कंपनी टावर लगवाने के लिए कोई भी पैसा नहीं मांगती है, और आप लोगों को कोई भी पैसा किसी को भी पे नहीं करना है। तो आई होप दोस्तों अब आप लोग समझ चुके होंगे कि आप लोग किस प्रकार से जियो का टावर बिल्कुल फ्री में लगवा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं तुरंत उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये जानकारी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।